गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर वर्षा मिस। वेलकम टू यू ऑल योर ए के विद्या निकेतन यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर गुड, हेल्थी एंड एंजॉयिंग योर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। डू योर ऑनलाइन क्लास रेगुलरली एंड मेक योर नोट्स प्रॉपरली। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टुडे इन दिस क्लास वी विल लर्न क्लास फोर अदर्स इंग्लिश वर्ड बुक यूनिट वन पार्ट टू। पिलामने में पार्ट वन रे तीन नंबर पर्यंत करथिले, तापरे मु तुमको फोर नंबर और फाइव नंबर भी तुम्हारा टेक्स्ट बुक पढ़ेला बेले तुम्हारे या को एक्सरसाइज को कर दीथिली, तथापि तुम्हें वर्ड बुक रे आको करनियो, एबे टिके करेक्शन करनियो, मु एबे तुमको कहि दउछि। देखो क्वेश्चन नंबर फोर, ए द पोएम इज अबाउट डैश। कौन कह पे मैंने द पोएम इज अबाउट क्या विषय था? डग्स विषय। तो आंसर लिखा ये डग्स। बी नंबर, व्हिच डग्स सीम टू हाव नो सेफ एट ऑल। आंसर हो थीन। क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड भितर किए थीन, फैट, सेफ, स्मॉल। आंसर हो सेफ। क्वेश्चन नंबर टी, वी कीप डैश आज पेट्स एट आवर होम। कहाँ को पेट वगैरह रखेंगे हम घरे? डग्स को। क्वेश्चन नंबर ई, डग्स लिव इन डैश। डग्स लिव इन केनल। क्वेश्चन नंबर फाइव, मैच वर्ड्स विथ मीनिंग। आम मैच करवा वर्ड सहित तार मीनिंग को। सिक, सिक है मूविंग क्विकली फ्रॉम साइड टू साइड। सेप, सेप हो बॉडी साइज। साइन, साइन है ब्राइट। टॉय, टॉय है फ्रंट पार्ट ऑफ द, फ्रंट पार्ट ऑफ फूड, फ्रंट पार्ट ऑफ फूड। वाइप, वाइप है टू मेक समथिंग, वाइप, वाइप है टू मेक समथिंग ड्राई। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द पोएम डग्स अबाउट। आंसर, द पोएम डग्स इज अबाउट द डिफरेंट शेप ऑफ एंड साइज ऑफ डग्स। द पोएम डग्स इज अबाउट द डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ डग्स। क्वेश्चन नंबर बी, व्हिच वर्ड्स इन द पोएम टेल अबाउट द शेप्स ऑफ डग्स। व्हिच वर्ड्स इन द पोएम टेल अबाउट द शेप्स ऑफ डग्स। आंसर, द वर्ड्स सच एज बिग, टॉल, लॉन्ग, थीन, फैट एंड स्मॉल इन द पोएम टेल अबाउट द शेप ऑफ डग्स। द वर्ड्स सच एज बिग, टॉल, लॉन्ग, थीन, फैट एंड स्मॉल इन द पोएम टेल अबाउट द शेप्स ऑफ डग्स। क्वेश्चन नंबर सी देखिबा, हु इज आई इन द फर्स्ट एंजर। हु इज आई इन द फर्स्ट एंजर। आंसर हो जी, आई इज द पोएट इन द फर्स्ट एंजर। आई इज द पोएट इन द फर्स्ट एंजर। क्वेश्चन नंबर डी, व्हिच टाइप ऑफ डग्स डू यू लाइक द मोस्ट। व्हिच टाइप ऑफ डग्स डू यू लाइक द मोस्ट। आंसर इज, आई लाइक बिग एंड टॉल डग्स द मोस्ट। आई लाइक बिग एंड टॉल डग्स द मोस्ट। तुम मैंने जो भाई डग्स भल पाइब भल पाओ से लिख। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज द कलर ऑफ योर डग्स। व्हाट इज द कलर ऑफ योर डग्स। आंसर, द कलर ऑफ आवर डग्स इज व्हाइट। द कलर ऑफ आवर डग्स इज व्हाइट। तुम मानकर डग्स जो कलर लिख। क्वेश्चन नंबर एफ, डू द थिन डग्स सीम टू हैव शेप्स। डू द थिन डग्स सीम टू हैव शेप्स। योर आंसर इज, नो द थिन डग्स डू नॉट सीम टू हैव एनी शेप्स। नो द थिन डग्स डू नॉट सीम टू हैव एनी शेप्स। क्वेश्चन नंबर जी, व्हिच डग्स
seem to have no shells. Which ducks seem to have no shells? Your answer is, the very thin ducks seem to have no shells. The very thin ducks seem to have no shells. Question number H. What animals do you keep as pets at home? What animals do you keep as pets at home? Answer. We keep dogs, cats, cows, wolves, buffaloes, horses as pets at home. We keep dogs, cats, cows, wolves, buffaloes, horses as pets at home. Question number A. Question number I. Does the poet love ducks? Does the poet love ducks? Your answer. Yes, the poet loves ducks. Yes, the poet loves ducks. Question number J. What does the word they refer in the last line of the poem? What does the word they refer in the last line of the poem? Answer. They in the last line of the poem, ducks, refers to thin ducks. They in the last line of the poem, ducks, refers to thin ducks. They in the last line of the poem, ducks, refers to thin ducks. Pilamane, tumhe jo unit 1 tako, tamo workbook book re complete karke mate WhatsApp re pathaibo. ठीक है, थैंक यू।